देखना बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 का 7th पार्ट है। ये एनसीईआरटी वाली बुक में नहीं है, नेट न्यू वाली बुक में है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, कह रहे हैं कि एक्यू, पहली बात क्या करना है, इसको फैक्टर करना। हमें करना क्या है क्वेश्चन में, फैक्टर करना, ठीक है। तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे हम, एक्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये बताओ इतना कोई फार्मूला बन रहा है क्या, बताना वो आगे पीछे हो सकता है, प्लस में आगे पीछे हो सकता है। चाहे ऐसे लिखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। कोई भी आगे पीछे, ये पहले लिख सकते हो, ये बाद में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब बताओ, तुम बताओ इसका फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला बता दो, इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू, क्यूब है ना ये, होल क्यूब होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब माइनस 8 को क्या लिख सकते हो बताओ, 8 को 2 का क्यूब, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 का क्यूब लिख लेंगे, अब फिर इसमें दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला नोट कर लेना अलग से, 2 का क्यूब भी लिखेंगे। हाँ क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि अब देखो इसमें एक हमें फॉर्मूला लगने जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, और क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ध्यान देना कि हमने दो फॉर्मूला इस टाइप का बताया था, कौन कौन सा, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान देना दो फार्मूले होते हैं। अच्छा ये इससे हट करके है, जो ये वाला फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का हो चाहे एक्स प्लस वाई का, ये और ये दोनों अलग अलग है, दोनों फार्मूले अलग अलग है, सेम नहीं है, माइनस के वहां पे, हाँ, जिससे कि इसका मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल वगैरह करने के बाद इतना आ जाए, ना आ जाए, ये मतलब में याद करना पड़ेगा, प्लस है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे टू नहीं होगा, ये भी ध्यान देना, यहाँ पर टू नहीं होगा, बच्चे क्या करते हैं टू लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला अब इसमें अप्लाई होगा, तो कैसे लगेगा फार्मूला, तो क्या हुआ, एस क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई, एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है, ये ए प्लस ए बी है, ए प्लस बी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, बोलो, हाँ सर, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी है, ना कि ए, पूरा पूरा एक्स है, पूरा क्या है, और वाई क्या है, दो है, वाई टू है, वाई कितना है, टू है, इस फॉर्मूले हमें सेट करना है, तो एक्स इक्वल टू कितनी है, नहीं लोग अलग से क्या होते हैं, एम्प्लाई का क्या है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी है एंड वाई इक्वल टू टू है, ये लिखना था लिख सकते हो अलग से, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, तो ये ब्रैकेट है वो हाँ, ये नहीं सबसे टॉप पे क्वेश्चन ब्रैकेट है इसमें, ये चलिए ऊपर में ऊपर ब्रैकेट लगा, हाँ लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस बी है और माइनस, देखो ये तो एक्स की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई एक्स प्लस बी, माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, टू, ये हो गया तुम्हारा क्या, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस बोले स्टेशन में आया, ये दोबारा से समझाऊंगा, एक्स की वैल्यू है कितनी बताओ, यहाँ पर ए प्लस बी, वाई की वैल्यू कितनी है, टू, टू है, तो क्या है एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू ए प्लस बी है, ए प्लस बी तो पहले लिखो गे और वाई वैल्यू टू है, और फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है मालूम क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स मीन्स क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और प्लस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, ए प्लस बी और इंटू वाई, वाई वैल्यू टू, वाई की वैल्यू टू प्लस वाई की वैल्यू टू का स्क्वायर आ जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा, इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टू और
रहा हो तो नहीं, अभी अब इसको ऐसे सेम निकाल लेंगे ए प्लस बी का, इसको ओपन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। प्लस टू को आगे लिख देंगे, टू को आगे लिख देंगे और प्लस टू का स्क्वायर फोर, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, मतलब इसमें दो दो फार्मूले अप्लाई करने थे। एक तो पहले हमें कौन सा फार्मूला लगाना था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ए प्लस बी तो होल क्यूब हो गया और ए को क्या लिख दिया हमने टू का क्यूब, फिर इसमें यह फार्मूला हमने अप्लाई किया तब जाकर के हमको फैक्टर मिला, दो अलग अलग फैक्टर मिले, ये तरह कितना बड़ा फैक्टर, ठीक है ना। बस नोट कर लेना आपको। अब तो क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या करना है, वेरीफाई फर्स्ट, तो वेरीफाई में से एक तो पहले बात जान लो कि फार्मूला होता है, क्या होता है पूरा फार्मूला होता है, अभी भी लिखवाया चार में है ना, तो कह रहे इतना इक्वल टू ये होता है, इस बात को तो प्रूव करो, वेरीफाई करके दिखाओ, करो। तो हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे, राइट हैंड साइड, देखो इधर राइट हैंड साइड होता है ना, तो एक्स प्लस वाई और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बोलो समझ आएगा क्या किया हमने, होता लिया है ना। अब उतारने के बाद जो अभी तक तुम बहुत सारे से पढ़ते आ रहे हो क्या, इस फर्स्ट टर्म को पूरे को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म से एक्स से इस पूरे टर्म को क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस तो प्लस लिखेंगे वाई और वाई से फिर दोबारा पूरे को हम करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब x का मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई करना है, एक्स का एक्स स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई कितना होगा, एक्स क्यूब बोलो, और x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर साथ में वाई आ जाएगा, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर ये हो गया, कितना होगा मल्टीप्लाई तुम बताओ, बहुत स्लो बोल रही हो, बताओ y मल्टीप्लाई करके बताओ इसमें कितना लिखूं मैं, y का लिख लो y बाद में लिख लो, फिर माइनस अब y का मल्टीप्लाई करो तो बोलो xy स्क्वायर, हाँ x इंटू y का स्क्वायर, y को बाद में लिखना तो y की पावर वन मिलकर कितना हो जाएगा, बोलो जिन जिन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर में करेंगे कितना आ जाएगा, अब कुछ कटेगा पिटेगा, हां सर x स्क्वायर और y प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, देखो x स्क्वायर y और कहां ये x स्क्वायर y, हां सर ये प्लस में माइनस में है, है कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब x y और x y स्क्वायर माइनस x y स्क्वायर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचा x x x क्यूब एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस मतलब नहीं माइनस कैसे हो गया, या प्लस वाई क्यूब प्लस चार राइट हैंड साइड के पद आगे नहीं आ गया, तो हमने क्या लिया था यहाँ से राइट हैंड साइड लिया था, हमने राइट हैंड साइड लिया था तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया, इसके इक्वल आया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था वेरीफाई करना था, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट रहा, उसके बाद सेकेंड ऐसे खुद से करके दिखाओ मुझे, अभी करना देव देव, हाँ सही हो गया इसका, तो देखना बच्चों क्या आएगा सेम पार्ट में, एस क्यू माइनस वाई क्यूब इक्वल टू हमें वेरीफाई करना है एक्स माइनस वाई और सेकंड ब्रैकेट में क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये भी फार्मूला होता है कम्प्लीट, तो हम क्या लेंगे हम राइट हैंड साइड, क्या लेंगे हम राइट हैंड साइड, ये हमने पूरा उतार लिया राइट हैंड साइड, हम पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का, किसमें एक्स स्क्वायर पूरे टर्म में है ना, पूरे टर्म में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस वाई है तो यहाँ पे हम माइनस वाई लिखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरा टर्म में और माइनस वाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में करेंगे, ठीक है।
अब एक्स का मल्टीप्लाई पूरे बटा क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तुम बोलो मल्टीप्लाई करने कितना लिखूं एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई को साथ में हम उतार लेंगे ठीक है देव प्लस एक्स वाई स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे ऐसा है नहीं वाई स्क्वायर को उतार लेंगे और साथ में एक्स उतार लेंगे माइनस बोलो देंगे हाँ पहले एक्स स्क्वायर लिखो और वाई को बांध दीजिए ठीक है देव बोलना इसका इसमें मल्टीप्लाई कर कितना आएगा एक्स वाई स्क्वायर साइन बोलो साइन प्लस या माइनस प्लस माइनस क्यों प्लस माइनस माइनस हाँ माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर ठीक है लास्ट तुम बोलना अक्षिता साइन क्या होगी माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस माइनस और वाई की पावर कितना होगा अब ये बताओ वाई क्यूब क्या बोलते हैं या वाई की पावर थ्री बोलते हैं इसको अब ये बताओ एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई सेकंड चल रहा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये क्या हो जाएगा दोनों कैसे रहो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये कैसे रहो जाएगा गलती हो रही थी माइनस के ठीक है अब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब तो यही तो लाना था हमें देखो ये हमने क्या लिया था राइट हैंड साइड और आया क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ठीक है हो गया नोट कर लो ठीक है चलो देना तो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर टेंथ का फर्स्ट पार्ट है कारण फर्स्ट प्राइज क्या करना हमें अच्छा ये बात बताओ तुम्हें ये कैसे पता चला कि फर्स्ट प्राइज हम करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें है ना ठीक है ना अलग अलग है ना क्यूब क्या पूरे का क्यूब तो है नहीं अलग अलग क्यूब है तो ए क्यूब प्लस अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अब कब अप्लाई होगा जब जो 27 है इसको भी तो हम क्यूब के फॉर्म का बना ले बताओ 27 किसका क्यूब है 27 किसका क्यूब है ऊपर का तरह खुला था ये और बताओ थ्री हाँ क्यूब है थ्री का क्यूब 27 होता है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री और वाई क्यूब को साथ में उतार दो प्लस 125 किसका क्यूब है फाइव का क्यूब है फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव फाइव का क्यूब जेड क्यूब ठीक है हम कैसे करेंगे थ्री वाई का होल क्यूब प्लस फाइव जेड का होल क्यूब है ना अब देखो तुम्हारा धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा अब क्या जाएगा बताओ इसको ए क्यूब मान लो प्लस बी क्यूब बताओ जब क्या होता फॉर्मूला इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मैं सर हाँ अभी आज बताया हूँ अब प्रूफ भी किया हूँ आज वो वाला सर ए लिखो हाँ कैसे बोलो ब्रैकेट में ए प्लस बी क्या है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है क्यूब वाले ने अलग अलग इसमें क्या होता है प्लस का आता है यहाँ पे प्लस रहेगा यहाँ पे माइनस रहेगा हमने ये भी बोला था कि यहाँ पे टू नहीं होगा उसमें मुझे लग रहा है एक्स वाई का यूज किया होगा ठीक है ना इसलिए कंफ्यूज बात करते हैं तो हमने एक्स वाई इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपने वाई का यूज किया हुआ है फॉर्मूला हो गया तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए की वैल्यू है कितनी थ्री वाई तो थ्री वाई प्लस बी की वैल्यू कितनी है फाइव जेड क्या करना था ए प्लस बी करना था पहले क्या करना हमें अब ए की वैल्यू है थ्री वाई बी की वैल्यू फाइव जेड और बड़ा ब्रैकेट दे करके ए की वैल्यू कितनी है थ्री वाई अच्छा कोई बच्चा बताएगा कि बड़ा ब्रैकेट क्यों दिया है यहाँ पर क्योंकि सर इसके अंदर छोटे ब्रैकेट हाँ क्योंकि अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट के भी यूज हमें करना है ठीक है माइनस ए एक वैल्यू कितनी है थ्री वाई
इंटू बी कितना आएगा, फाइव जेड प्लस बी कितना है, फाइव जेड का रूट स्क्वायर। अब इसको सेम निकाल लेंगे हम, फाइव जेड और ये जाएगा थ्री का स्क्वायर, नाइन वाई स्क्वायर भी लिखेंगे साथ में, क्यों क्योंकि नाइन का थ्री का स्क्वायर तो नाइन हो जाएगा, तो वाई का स्क्वायर नहीं लिखेंगे नहीं हम। ये मल्टीप्लाई करने कितना आएगा अक्षिता, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, थ्री फाइव का फिफ्टीन वाई जेड, ठीक है, प्लस कितना आएगा देव, टेन जेड, टेन जेड स्क्वायर। अच्छा फाइव का स्क्वायर टेन होता है, ट्वेंटी फाइव जेड का स्क्वायर। अरे चाहो तो आप इसको स्मॉल ब्रैकेट दे सकते हो क्योंकि अंदर ब्रैकेट नहीं है। ये हो गया पैंटर, हमारा आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लो। वीडियो ये बताओ कि इसमें यहाँ पे माइनस है, क्यूब है दोनों जगह, तो दिख तो रहा हमें कि ए क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब। प्रॉब्लम क्या है कि क्या 375 किसी नंबर का क्यूब है, आप कैसे पता चलेगा भाई, एलसीएम लेंगे फिर देखते हैं क्यूब है कि नहीं है, कैसे कटेगा, फाइव है लास्ट में तो फाइव से काट लो, फाइव सेवन ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फिर फाइव से डिवाइड कर लो, फाइव फाइव जा फाइव थ्री जा फाइव थ्री जा। अब हमने क्या देखा कि ये थ्री है ये एक्स्ट्रा आ गया, ये क्या हो गया, ये फाइव का क्यूब तो है तीन पर है कि नहीं, तो यहाँ पर कर दो थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव टू फाइव का क्यूब एक्स क्यूब है ना, हाँ इंटू है, ठीक है, माइनस फिर से 192 का भी एलसीएम ले लो, टू नाइन जा टू सिक्स जा टू थ्री जा टू फोर जा एट और टू एट का मेजर मिस्टेक, टू टू जा और फोर जा टू वन जा टू वन टू फिर टू सिक्स टू सिक्स सिक्स जा टू टू थ्री जा फिर थ्री वन जा थ्री तो अष्टा तो है इन टू, ये देखो टू टू जा फोर टू टू जा फोर टू टू जा फोर, तो किसका क्यूब है फोर, बोलो ऐसे कर लेते हैं अलग अलग पेयर बना करते हैं, सर हम फोर से भी कर सकते हैं, बोलो फोर से भी कर सकते हैं, हाँ तो हमें ऐसा नहीं पता था कि फोर का पेयर बनेगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना, अब ये बताओ इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा, अभी देखो हाँ थ्री कॉमन ले लोगे तो क्या बचा, माइनस फोर का क्यूब और वाई का क्यूब है ना। अब ये इसमें फार्मूला अभी तुम्हें लगता हुआ दिखेगा, इसमें लो फाइव एक्स पूरे का क्यूब कर लो, फोर वाई पूरे का क्यूब कर लो, क्यों ए प्लस बी का होल, ऐसा क्यों किया, क्योंकि अलग अलग क्यूब था हमने एक साथ कर लिया, अलग अलग क्यूब था हमने क्या किया एक साथ कर लिया। अब हम इसमें फार्मूला आ जाओ, थ्री को तो ऐसे वहां रखेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे कौन सा, ए क्यूब माइनस, अच्छा तो ध्यान देना अगर एक्स वाई में है तो तुरंत ए बी पे चला जाएगा, और ये भी अगर लिखा है तो एक्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करो, बोलो तुम अक्षिता क्या पता फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी टू का, तुम बोलो देव ए ए प्लस बी, हाँ ए माइनस बी, ए माइनस बी ए दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी माइनस प्लस ए बी, याद कर लेना ढंग से, बात मिला नहीं याद रहेगा दिमाग में, मुझे नहीं आए समझ में नहीं आएगा करना क्या है, ठीक है ना, ए माइनस बी, अब ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी ये कितना फाइव एक्स माइनस माइनस बी फोर वाई, अब बड़ा प्रकट लगाएंगे क्यों, ए की वैल्यू है कितनी का होल स्क्वायर प्लस ए कितना है फाइव एक्स इंटू वाई फोर वाई प्लस फोर वाई क्यूब स्क्वायर, बोलो आपने पावर थ्री क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इसमें फार्मूले में पावर थ्री नहीं होती है, फार्मूले में पावर थ्री पावर टू होता है, टू लगाएंगे हम, ठीक है ना। अब इसको उतार लो, थ्री
फाइव एक्स माइनस फोर वाई ये हो जाएगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव हो जा ट्वेंटी फाइव हो जा ट्वेंटी ट्वेंटी एक्स वाई प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन वाई स्क्वायर।